हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग कितना होता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हो। आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और एकदम बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है, जीपीएस। सबसे पहले आप वर्ड से ही पता करिए कि ग्लोब मतलब पूरा अर्थ सरफेस पे किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशंस क्या है, उसका टाइमिंग क्या है और उसका जो एक्यूरेट पोजीशंस क्या है, एक्यूरेट लोकेशंस क्या है, टाइम इंफॉर्मेशन क्या है अर्थ सरफेस के नियर में। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है वो एक इन्फॉर्मेशन है और एक इन्फॉर्मेशन देता है किसका, अर्थ सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन। जिसे मैं बोलता हूँ कि जीपीएस जब हम लोग देखते हैं अपने फ़ोन में तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हम इंडिया में कितना डिस्टेंस पे हैं अपने कैपिटल सिटी दिल्ली से, ये सब पता चल जाता है हम लोगों को। जैसे मैं अभी रांची में हूँ तो मुझे पता करना है कि दिल्ली कितना डिस्टेंस है, तो ये जीपीएस जो है ना वो वर्क कर जाता है हमारे फ़ोन में और वो डिस्टेंस बता देता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ सरफेस पे उसके पोजिशंस के बारे में बतलाता है कि वो अर्थ सरफेस के कितना नियर है और अर्थ सरफेस पे टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्यूरेट पोजीशन बतलाता है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन बतलाता है और जितना भी ऑब्जेक्ट रहता है उसका एग्जैक्ट पोजीशन बतलाने के साथ साथ उसका लोकेशन और उसका जो मेन टाइमिंग का डिफरेंस होता है वो भी बतलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसमें भी सेम चीज़ें लिखा हुआ है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूजेस द सैटेलाइट डेटा टू कैलकुलेट द एक्यूरेट पोजिशन ऑन अर्थ। मैंने आपको बताया कि ये अर्थ सरफेस पे एक्यूरेट पोजिशन को बतलाता है। इट प्रोवाइड्स लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन ऑन और नियर टू द अर्थ सरफेस। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये लोकेशन प्रोवाइड करता है, टाइम का इंफॉर्मेशन देता है कि आप अर्थ सरफेस पर कहाँ पर हैं या फिर अर्थ सरफेस के कितना नियरेस्ट में हैं। वेयर देयर इज अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन, और जहाँ पर अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब जहाँ पर कोई भी प्रतिबाधा नहीं हो, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है प्रतिबाधा, बाधित करना, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट, लाइन ऑफ साइट विथ फोर और मोर सेटेलाइट। जीपीएस रिसीवर कैलकुलेट द पोजिशन बाय प्रिसाइजली टाइमिंग द सिग्नल सेंट बाय द सेटेलाइट हाई अबव द अर्थ। ऑल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल विद द ओनली, मतलब ये क्या करता है, डेटा सेंस करता है अर्थ सर्फेस के पोजिशंस पे और वो इंफॉर्मेशन दे देता है। अभी तक टोटल जो सेटेलाइट है वो 12 सेटेलाइट क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट मतलब डेटा ट्रांसफ़र करता है जो हमारा अर्थ सर्फेस से एवप पे है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए जो वर्क करता है तो 12 सेटेलाइट जो होता है वो हमारा क्या होता है, डेटा कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन करता है, लेकिन टोटल सेटेलाइट जो है वो 24 से। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो सेटेलाइट का नंबर है वो 14 से 20 दिया हुआ है, लेकिन 14 से 20 नहीं है, ये आपका अभी जो है वो 24 हो गया, जो सेटेलाइट है अभी लेटेस्ट डेटा है, ये बुक में आपका 14 से 20 दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ सरफेस पे पोजीशन, एग्जैक्ट टाइमिंग और उसका एक्यूरेट लोकेशन क्या है उसके बारे में ये पता लगा देता और
ये इंफॉर्मेशन दे देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।